5,000 रुपए तक जा सकता है सरसों का भाव। कमोडिटी बाजार के जानकारों का कहना है कि सरसों के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। मंडियों में तिलहन की सप्लाई घटने और मांग बढ़ने से सरसों की कीमतों में तेजी का रुझान है। जानकारों का ये भी कहना है कि मौजूदा स्तरों से सरसों के दाम करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दिखा सकता है। वहीं रेली गियर सिक्योरिटीज के सीनियर मैनेजर अभिजीत बनर्जी के मुताबिक मंडियों में सरसों की सप्लाई में कमी को देखते हुए आगे भी कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। इसके अलावा खाद्य तेलों में भी तेजी से सरसों की कीमतों में मजबूती के आसार हैं। बता दें कि सरसों की सरकारी खरीद इस महीने खत्म हो जाएगी। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए आया एक और कड़ा नियम, अनदेखी करने पर लगेगा जुर्माना। लॉकडाउन के बाद अगर आप भी कोई नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है और इस नियम का पालन ना करने पर आपको कारोबार शुरू करने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। हरित पैनल ने CPCB को निर्देश दिया है कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाने वालों से उसके दिशा निर्देशों के मुताबिक मुआवजे की वसूली की जाए। NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने CPCB से कहा कि खतरनाक कचरा उत्पादन करने वाले उद्योगों की पुष्टि के लिए व्यवस्था बनाए, साथ ही मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों से पर्यावरण मुआवजा वसूला जाए। आपको बता दें कि अधिकरण ने निर्देश दिए हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को कि अपनी अनुपालन रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2020 तक CPCB को सौंप दी जाए। CBIC ने दिए संकेत, डीलरों को मिल सकती है GST रिटर्न पर राहत। आने वाले दिनों में डीलरों को बड़ी राहत मिल सकती है। CBIC ने जानकारी दी है कि GST क्रियान्वयन समिति कंपोजिशन योजना के डीलरों के लिए बीते 2019-2020 के वार्षिक रिटर्न की तारीख बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का